दोस्तों, हमारे देश में कुछ महिलाएं हैं ऐसी जिनका नाम सुनकर ही ना हमें बड़ा गर्व फील होता है। और एक ऐसी ही महिला यानी मंदिरा वेदी इस समय मेरे साथ है और सबसे पहले न्यूज़ पॉइंट से बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर। और आपका इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट से शुरू करने वाली हूँ। मुझे पता है आप लोग को बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया होगा आज, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट हमारी तरफ से भी बनता है कि यू लुकिंग स्टनिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जब मंदिरा आप दिलवालों की दिल्ली में आती है तो सबसे पहले क्या करने का मन करता है ये बताइए। पहले तो माँ के घर का खाना खाने का मन करता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं और मामा मेरे आने से पहले ही दिल्ली से फ़ोन पर मुझसे पूछती हैं कि क्या खाओगी ये वाले मील के लिए, लंच के लिए क्या खाओगी, डिनर के लिए क्या खाओगी। तो सारे मेरे फेवरेट चीज़ें बनाई जाती हैं फॉर मी। तो सबसे पहले खाना, पेट। मैं मतलब ये हाल से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आपका देख के कि खाना इतना इम्पोर्टेंट। खाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, आई एन्जॉय फूड। मंदिरा, आपका क्रिकेट का इंटरेस्ट हम जानते हैं, आपको फिल्मों में देखा है, आपको टीवी शोज में देखा है, कुछ ऐसी इच्छा है जो अभी तक आप कहते हैं कि यार ये रह गई? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ रह गया हो, लेकिन आपको अंदर से लगता है कि आपको ये मतलब कुछ ऐसा है जो रह गया? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं है। इनफैक्ट मेरे लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं, जो भी करने को मुझे मिला है, आई थिंक इट्स बिन वंडरफुल, आई हैड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़। पर जो भी आए हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ मेरी तरफ आए। आई नेवर सेड कि अरे ये चीज़ रह गई, ये नहीं किया मैंने। तो जब वो अपॉर्चुनिटी आएगा तो मुझे पता चलेगा हाँ ये नहीं किया तो करना पड़ेगा। मंदिरा, मतलब बच्चों को लेकर आपको एक खास मतलब एक खास इंटरेस्ट है, बच्चों से आपको लगाव है, या इस वीर आपकी बेटी के वजह से ही ये सब? नहीं, आई ऑलवेज लव चिल्ड्रन। इनफैक्ट मेरे भाई के दो बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, एक 15 साल का, एक 11 साल की है। तो आई हैव ऑलवेज लव्ड किड्स, और अब जब वीर आ गया मेरी लाइफ में, आई स्टार्टेड लविंग किड्स इवन मोर। अब जब भी मैं कहीं पे किसी माँ को अपने बच्चे के साथ स्ट्रगल करते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल मतलब पिघल जाता है और मैं कहती हूँ कैन आई हेल्प यू, व्हाट कैन आई डू। आई हैव स्टार्टेड लविंग चिल्ड्रन मच मोर ऑफ कोर्स, एंड यू अंडरस्टैंड मदर्स एंड चिल्ड्रन मच मोर व्हेन यू योरसेल्फ बिकम अ मदर। क्या बात है, जैसे आपने कहा कि लोगों को मुझे मतलब एकदम मन करता है कि वो क्या करे, तो आप एक सुपर मॉम तो बन ही चुकी है। तो मैं जब इट्स अ टास्क बिकमिंग जस्ट अ डिसेंट मॉम, आई डोंट नो अबाउट सुपर मॉम। बट बहुत सी यू नो पेरेंट्स होते हैं जो कि बुक्स पढ़ते हैं कि बच्चों को किस तरीके से हम बड़ा करें, कैसे संस्कार दें। तो मैं चाहती हूँ उन सभी पेरेंट्स को आज एक मंदिरा वेदी अपने मुँह से एक एडवाइस या एक सजेशन दे। बुक्स तो बुक्स से पता नहीं कितना आपको एडवाइस मिलेगा। आई थिंक आपकी माँ ने आपको कैसे बड़ा किया, आई थिंक दैट्स द बेस्ट सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क टू गो विद। और जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है और जब भी आई हैव अ यू नो अ क्वेश्चन टू आस्क, आई थिंक इट्स माई मदर दैट आई आस्क एज फार एज यू नो ब्रिंगिंग अप माई चाइल्ड इज कंसर्न्ड। ये तो सिर्फ पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन था, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि पूरी जनता जानना चाहती है कि आप इतनी मेंटेन कैसे हैं अभी तक? मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, मैं बहुत बहुत फिटनेस को, हेल्दी ईटिंग को इम्पोर्टेंस देती हूँ मेरी लाइफ में, एंड आई एक्सरसाइज अलॉट, आई ईट हेल्दी। मैं अपने आप को पतला नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाना चाहती हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई एम राइट नाउ। क्या बात है मंदिरा, बस जाते जाते अपने फैंस के लिए एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से। बस आई थिंक अगर आपने फिटनेस का सवाल पूछा तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जस्ट ईट हेल्दी एंड डोंट वरी अबाउट अ साइज जीरो फिगर, बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अंदर से हेल्दी हों, बाहर से भी हेल्दी दिखेंगे फिर आप, और इट्स इम्पॉर्टेंट बी स्ट्रॉन्ग एंड फिट, पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू एक्सरसाइज आल्सो। क्या बात है, अब आप सब भी हेल्दी और एक्सरसाइज सब शुरू कर दीजिए मंदिरा वेदी की तरह। एंड मंदिरा को थैंक यू। कैमरा पर्सन अशोक के साथ रूपल, न्यूज़ पॉइंट।